आज मैंने आप लोगों को कुछ जरूरी मुद्दों पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए आप लोगों को बुलाया और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि देश में पिछले कई महीनों से फैली कोरोना महामारी के चलते हुए इसके पीड़ितों का इलाज कराने व इनको अलग से ठहराने की व्यवस्था आदि करने के मामले में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अनेकों रही कमियों को खास ध्यान में रखकर ही अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, जिसकी आज मैं घोषणा भी कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा और इससे फिर एक तरफ सभी पार्टियों व धर्मों के महान संतों गुरुओं व महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी आगे अन्य और भी भयानक बीमारी के फैलने पर फिर वर्तमान की तरह खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी कुदरत से यही प्रार्थना करती है, कामना करती है कि कोरोना जैसी अन्य और महामारी अब आगे अपने देश में फिर से कभी भी ना यहाँ आए। इसके साथ ही दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अनेकों महान संतों गुरुओं व महापुरुषों के बारे में भी यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में चार बार बीएसपी की रही सरकार में इन वर्गों से जुड़े जिन महान संतों गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर उन्हें आदर सम्मान देने के उद्देश्य से अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही कुछ जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें फिर अधिकांश सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते हुए बदल दिया था, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार के बनते ही तुरंत बहाल कर दिया जाएगा, जबकि इनका लिया गया ये फैसला अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी था और इसके साथ इससे इनकी यानी कि समाजवादी पार्टी की व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफ़ी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है, लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अब ऐसे में तो ब्राह्मण समाज इनके साथ कतई भी जाने वाला नहीं है। वैसे भी इस समाज का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है, इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। जबकि ब्राह्मण समाज को हर मामले में बीएसपी के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है
बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। इसका ब्राह्मण समाज को बीएसपी के ऊपर ज्यादा भरोसा भी है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि क्षत्रिय वैश्य तथा अन्य समाज आदि भी अपने महान संतों गुरुओं व महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने की अपनी भावना दर्शाता है या दर्शाते हैं, तो फिर इस मामले में उनकी भावनाओं को भी जरूर पूरा किया जाएगा, आदर सम्मान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी की सरकार यहाँ सभी जाति व सभी धर्मों के महान संतों गुरुओं एवं महापुरुषों को हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान देगी। ये मेरा सर्व समाज को वायदा भी है। इसके अलावा आजकल राम मंदिर निर्माण के नाम पर भी काफ़ी राजनीति की जा रही है, जो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला लोगों की केवल धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से ही जुड़ा है। अर्थात इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते, तो पूरे देश में दलितों के ऊपर एक अच्छा मैसेज जाता, अच्छा प्रभाव पड़ता। हालांकि इसको लेकर कई और भी मामले आए, कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया है तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। तो ये भी मैं इनको कहना चाहती हूँ। वैसे भी इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये मानना है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण करने से व राम राज्य के कोरे गुणगान आदि करने से ही यहाँ उत्तर प्रदेश व पूरे देश की जनता का भला होने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ केंद्र व खासकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को उनके बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा। अर्थात उनकी सोच व कार्य शैली पर भी इन्हें अमल करना होगा। जैसा कि कानून व्यवस्था के मामले में अब पूरे तौर से यूपी में यहाँ जंगल राज बन चुका है, और यदि सही मायने में यूपी की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे राम राज्य आए, तो जो इतिहास ये बताता है कि राम राज्य में तो ऐसा जंगल राज नहीं था जैसा कि वर्तमान में श्री योगी की सरकार में हमें जंगल राज देखने के लिए मिल रहा है। हर प्रकार का अपराध चरम सीमा पर है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, और इस मामले में विशेषकर यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बीएसपी की इनको ये खास सलाह भी है, जबकि बीएसपी के मामले में ये बात सर्वविदित है कि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। उदाहरण के तौर पर जब उत्तर प्रदेश में सन 2007 में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे तो तब उस चुनाव में दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज ने भी अधिकांश अपना वोट बीएसपी को ही दिया था, तो उनको फिर और इतना ही नहीं, जब हमको ये लगा कि हमको सर्व समाज ने वोट दिया है और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज ने बड़े पैमाने पर सन 2007 में जो असेंबली का चुनाव हुआ था हमें वोट दिया है,
तो उनको फिर हमने, यानी कि ब्राह्मण समाज को फिर हमने अपनी पार्टी व सरकार में भी उन्हें हर स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व भी दिया था। इसी प्रकार हमने क्षत्रिय समाज व अन्य सभी समाज को भी हर मामले में उचित भागीदारी दी थी, और खासकर दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का तो हर मामले में हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर हमने पूरा पूरा ध्यान रखा था। और इनके विकास व उत्थान के लिए हमने अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए। हालांकि उस चुनाव में विशेषकर ब्राह्मण समाज को कांग्रेस, सपा व बीजेपी ने भी गुमराह करने की पूरी पूरी कोशिश की थी, जिनके शासनकाल में इस समाज का हर स्तर पर सबसे ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया गया था। और बीजेपी के वर्तमान शासनकाल में तो इनका अभी भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि कानपुर विकास दुबे कांड की आड़ में अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ समूचे ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है। जबकि हमारी पार्टी व सरकार दूसरी पार्टियों जबकि हमारी पार्टी व हमारी यहाँ सरकार हमारी पार्टी की रही सरकार दूसरी पार्टियों की तरह अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी भी समाज के साथ मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह बर्ताव नहीं करती है। सबको एक नज़र से देखती है, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, जो सही है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ में तो जो 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 सही लोग हैं तो उनके उनका उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करती है, जैसा कि अब हमें देखने के लिए मिल रहा है। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम उल्टा करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ, जबकि हमारी पार्टी व सरकार दूसरी पार्टियों की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी भी समाज के साथ मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह बर्ताव नहीं करती है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के मुताबिक चलकर ही सबको न्याय दिलाने की बात करती है। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाती है। और अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कुछ जरूरी बातें आज मैंने मीडिया के जरिए विशेषकर यूपी की जनता को सावधान करने के उद्देश्य से इसलिए रखी है, क्योंकि यूपी में अब विधानसभा चुनाव का समय भी काफी नजदीक आता जा रहा है, ताकि इस चुनाव में फिर जनता अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर ना करे तथा अपने हितों में आजमाई हुई पार्टी को ही अपना वोट करें, यानी कि वोट दें, अर्थात बीएसपी को ही अपना वोट दें, क्योंकि बीएसपी की कथनी करने में कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता को अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। जो कहती है उसके ऊपर पूरी ईमानदारी निष्ठा से अमल करती है। तो इसलिए एक ही पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीएसपी, तो जो सर्व समाज के हितों का तो उनके डेवलपमेंट के मामले में पूरा ध्यान रखती है, विभिन्न क्षेत्रों में जो लगे लोग हैं तो उनके हितों का पूरा ध्यान रखती है, चाहे मजदूर है, किसान है, व्यापारी है या अन्य क्षेत्र में लगे लोग, अन्य मेहनत कश जो लोग हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखती है। और कानून व्यवस्था के मामले में तो हमारी पार्टी की सरकार किसी को भी बकसती नहीं है। यदि हमारी पार्टी का भी आदमी कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। यही मुख्य वजह रही कि उत्तर प्रदेश में मेरी चारों हुकूमतों के दौरान तो उत्तर प्रदेश की जनता को वहां कानून का राज देखने के लिए मिला, लेकिन बीएसपी के जगह पर जब दूसरी पार्टी पावर में आती है तो वो अपनी पार्टी उनकी पार्टी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं तो उनको वो बचाती है, और जो दूसरी पार्टियों में होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है।
तो ठीक है, चाहे दूसरी पार्टी में हो या उनकी पार्टी में हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में राजनीति को अलग करके चलेगी और अपनी पार्टी के जो आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, तो मैं आज आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज देखने के लिए नहीं मिलेगा, जंगल राज देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर बीएसपी के शासन की तरह, शासन काल की तरह वहाँ कानून द्वारा कानून का राज देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मेरा यूपी की गवर्नमेंट से यही कहना है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज उधर कायम करना चाहते हैं तो आपको बीएसपी की गवर्नमेंट से इस मामले में बहुत कुछ सीखना होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तो ये भी मेरी इनको सलाह है। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।